ये पर्टिकुलर पोर्शन जो आप देख रहे हैं हिल के टॉप में है। यहाँ पे 1939 से 1945 जो वार हुआ था उसमें जो हिंदू लोग और सिख लोग थे इनको लास्ट राइट्स अग्नि दिया गया था। देखिए ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ये सब सिख लोगों के मेमोरी में है। मैं एक सैंपल प्लेट आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये देखिए, ही इज़ हसन गुल, ही वॉज ड्राइवर रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कार्प्स, द डेट 15 अक्टूबर 1944 एंड द एज इज ओनली 19। एज इज ओनली 19। सो दिस कंप्लीट पार्ट पोर्शन जो है ये सिखों का है और ये जो है ये हिंदू लोगों का है। मैं एक सिमेट्री का आपको डिटेल्स निकाल दो। ओम भगवते नमः, देखिए सभी जगह ये ओम भगवते नमः लिखा है। दिस इज इन मेमोरी ऑफ, दिस पर्टिकुलर इज इन मेमोरी ऑफ राइफल मैन करमानी थापा, 8th गुरखा राइफल्स, 4 जुलाई 1944, एज 24। रेस्ट इन पीस। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके ओके। दिस इज अ बैटल ग्राउंड, ये जो पूरा है ना ये बैटल ग्राउंड है। इन दिस बैटल ग्राउंड वार वॉज फॉट बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना। कब इंडिपेंडेंस मिला हमें? 15 अगस्त 1947। दिस वार वॉज फॉट इन 1944। हम तब ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, अंडरस्टैंड, ब्रिटिशर्स के अंडर थे। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू जापानीज लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हमला बोल दिया। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे टेनिस कोर्ट दिख रहा है आपको, वो टेनिस कोर्ट था। तो यहाँ पे हमला बोल दिया, किसने हमला बोल दिया? जापानीज लोगों ने, बराबर है। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था जापानीज लोगों का, कि ब्रिटिशर्स को जो फूड सप्लाई हो रहा है आजू बाजू के कंट्री से, पर्टिकुलरली बुरमा से, वो स्टॉप कर दे। तो उनका ऑब्जेक्टिव था, बराबर है। तो ये जब बैटल फाइट हुआ तो ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस जिसमें हिंदू और सिख लोग थे वो दोनों भी मारे गए, है ना। तो ये जो नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ऊपर में है, ये जो हमारे इंडियंस थे सिख लोग और हिंदू लोग जो मारे, उनके ये नाम है, है ना। तो हमने रिस्पेक्ट करना है, हाथ वगैरह नहीं लगाना है इसको, ठीक है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने हिस्ट्री समझी, आपको समझी?